हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सनवास आज साइट इंस्पेक्शन के लिए आया हूं। कल इस साइट पर स्लैब कास्टिंग होने वाला है और अभी रिइंफोर्समेंट बाइंडिंग हो गया है, इलेक्ट्रिक का काम कंटिन्यू है। अब हम इसमें स्लैब कास्टिंग में चेकिंग करते हैं कंक्रीट होने से पहले, और क्या क्या चेक करते हैं इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितना भी बीम है, बीम का जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है एज पर ड्राइंग प्रोवाइड किया है कि नहीं किया गया है। देखिए, इसमें ड्राइंग में दिया गया है कि सपोर्ट में जो है तो मेन बार 4 होना चाहिए और टॉप और बॉटम में एक एक एक्स्ट्रा बार होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है 3 बार इधर और 3 टॉप में 3 बॉटम में, और मिडिल में जो है तो ऑनली मेन बार जाएगा, कोई एक्स्ट्रा बार्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बॉटम में एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया जो कि सेंटर में होना चाहिए, तो है। इसके बाद हम ये देखते हैं सारा जो रिइंफोर्समेंट है वो फ्री फ्रॉम आयल होना चाहिए और कोरोडेड फ्री होना चाहिए, जो कोरोडेड नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये कि इसमें जो है यदि कॉलम जो है कॉलम का रिइंफोर्समेंट में लैप लेंथ यदि नहीं प्रोवाइड किया गया तो उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि यदि कंक्रीट होने के बाद यदि लैप लेंथ यदि रिइंफोर्समेंट छोटा होता है तो लैप लेंथ नहीं अच्छे से नहीं मिल पाएगा और इस पर ड्राइंग नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसमें कवर ब्लॉक, देखते हैं कि शटरिंग में जो है आयल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इसमें जो शटरिंग का आयल नहीं लगा हुआ, लेकिन उसका अल्टरनेट दे दिया गया है। इसमें पॉलीथीन जो है पूरा स्प्रेड कर दिया गया है, जिससे हमको हमारा कंक्रीट का जो सरफेस है स्लैब का कंक्रीट का सरफेस हो स्मूथ होगा और इजिली डिशटरिंग इजिली हो जाएगा। इसके बाद कंक्रीट स्लैब का जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है उसके नीचे स्पेसिंग के लिए शटरिंग का टॉप फेस और रिइंफोर्समेंट के बीच में हम कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ताकि दोनों 15-20 mm, और वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। और हम देखते हैं कि इसका जो रिइंफोर्समेंट है, रिइंफोर्समेंट में जो रिंग स्ट्रप्स है जो है तो एज पर ड्राइंग है या नहीं है। इसमें जो है तो हाँ नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसका हुक्स है हुक्स जो है तो 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है। कोई भी स्ट्रप्स का बेंड 135 डिग्री बेंड नहीं किया गया है। और इसमें जो बाइंडिंग वायर है वो अच्छे से हर जगह टाइट किया गया है, नहीं किया गया, हाँ वो हर जगह टाइट किया गया है हर एक कॉर्नर पे। इसके बाद स्ट्रप्स का जो हुक है वो 3 इंची या 10D होना चाहिए, वो उससे उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और रिइंफोर्समेंट का स्पेसिंग हम चेक करते हैं कि स्पेसिंग ठीक है या नहीं है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सिविल साइट ज्ञान का 6th एपिसोड आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज हम लोग आपके लिए लेके आएंगे ऐसे ही साइट के लाइव वीडियोस, एंड हम आपको ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। और ऑल्सो कोई भी आपका सजेशन हो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि वी गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ अगर आप शेयर करते हैं, नॉलेज का चीज़ अगर आप शेयर करते हैं तो आपका नॉलेज एनहेंस होता है। स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं कि नॉलेज इज नेवर लॉस्ट। तो इसी थॉट के साथ आज हम लोग आज का एपिसोड एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।